हरे रामा हरे कृष्णा, यह शब्द युवा पर आते ही एक अलग सी भक्ति में खो जाते हैं कृष्ण भक्त। और इसी भक्ति को बरकरार रखते हुए मुंबई में स्कॉन टेंपल की 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। स्कॉन टेंपल की एनिवर्सरी पर कृष्ण भक्त काफी खुश नजर आए। वहीं हेमा मालिनी स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आई। हेमा मालिनी पीली साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई। हेमा मालिनी ने बताया कि वे 50 साल से स्कॉन टेंपल के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने वृंदावन व भगवत गीता की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भगवत गीता में कृष्ण लीला इतने सिंपल और अच्छे तरीके से दिखाई गई है जो आसानी से समझ में आ जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे प्राउड फील होता है कि कृष्ण जी का मंदिर पूरे देश में है और इसी भक्ति को बनाए रखने के लिए मैं क्लासिकल डांस करती हूँ। जिस ढंग से श्रीला प्रभुपादा जी ने जो लिखा है, इतने सिंपल ढंग में उन्होंने पूरा भगवत गीता का लिखकर ट्रांसलेशन जो किया हुआ है, इतना सुंदर है और इतना सिंपल है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। और वो जो जो लीलाएं कृष्ण ने रचाए वो इतना सामने एकदम से आ जाता है। जैसे बहुत सारे साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, सब लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति को वाणी में अपने प्रवचन द्वारा वो सब सुनाते हैं, जिसे मैं नृत्य द्वारा सब कुछ दिखाती हूँ। और मैं हमेशा मैं इस्कॉन के सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा करूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेरणा की है, मुझे बहुत ही प्रेरित किया है कि आज मैं इतने सारे जो बैलेंस करती हूँ उसमें उनका पूरा योगदान जरूर रहा है।